मेरी जाति, मेरा समाज, मेरा घर, मेरी नौकरी, बस हमारा जीवन यहीं तक सीमित है। ये राजनीति इंसानियत के लिए धोखा है, ये राजनीति गंदी है। इंसानियत के लिए धोखा है, ये राजनीति गंदी है। इंसानियत के लिए धोखा है, ये राजनीति गंदी है। Vande Mataram, 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 V
गए होते। आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमकर देशवासियों में आजादी का जज्बा फूट दिया। गांधी ने भावनाओं को दृष्टि दी और लक्ष्य को प्राप्त किया। गांधी एक चिंतक और भगत एक जुनून, दोनों एक दूसरे के पूरक। दोनों ने अपनी जान को दांव पर लगाया, एक सत्ता का तख्ता पलटने के लिए फांसी चढ़ गया और दूसरा वैचारिक चिंतन के लिए शहीद हुआ। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से।
मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलकर इस देश को बनाना होगा। हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और दृष्टि और लक्ष्य को प्राप्त कर रहना होगा। गांधी तभी ये देश बन पाएगा। और भगत एक जुनून दोनों एक दूसरे के गांधी खालिश भारत की सांस्कृतिक चेतना से उभरा ये राजनैतिक चिंतन बहुतों के लिए विवाद है, लेकिन गांधी की ताकत है जो आज भी विश्व के लिए पथ प्रदर्शक है। आज के राजनैतिक चुनौतियों के संदर्भ में गांधी को समझिए। आज छल राष्ट्रवाद लोकतंत्र की संख्या और कमजोरी का फायदा लेकर सत्ता पर बैठकर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का ध्वंस कर रहा है। भारत की विविधता को लहूलुहान कर संस्कृति के वारिस होने का पाखंड कर रहा है। और इसीलिए आज के युवाओं के जोश को सही सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना अनिवार्य है। आज भारत को बचाने के लिए भगत की कुर्बानी और गांधी की चिंतन शहादत की विरासत को सहेजने और आगे ले जाने का काल है आज भारत के लिए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।
हमें सिरे से समझने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स को कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन उनके सिद्धांत पर खड़े हुए राजनीतिक साम्राज्यों का सटीक विश्लेषण अनिवार्य है। दुर्भाग्य है, मार्क्सवादी विचारधाराओं की भारतीय पार्टियां सटीक विश्लेषण से भागती है। कार्ल मार्क्स का चिंतन व्यवस्था निर्माण का अमूल्य सूत्र है, पर अधूरा। संविधान का निर्माण हुआ।
समानता, न्याय, सामाजिक न्याय। मंडल, कमंडल, भूमंडल। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। मंडल, कमंडल, भूमंडल। मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। मंडल, कमंडल, भूमंडल। हम आर्थिक नीतियों, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाते हैं। आपके यहाँ जितने भी सरकारी नौकर हैं, उन्हें वीआरएस दो। विकास, हाईवे, टैक्स में माफी, आर्थिक सहूलियत।
वहां से मंगा लेंगे। और हाँ, आयात में हमारा कमीशन भी फिक्स होगा। अरे फसल बीमा करवा दो, किसान वोट बैंक के लिए जुमला काफी है, आपको वोट्स मिल जाएंगे। और हमारी बीमा कंपनी मालामाल। और हाँ, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करवा देना, ताकि डिजिटल इंडिया के फ्रॉड का पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, कर्ज माफी की घोषणा करवा दो। अरे नए कर्ज की घोषणा करवा दो, ताकि हमारी कंपनियां किसानों के नाम पर नए कर्ज ले सके। खरीदो और बेचो, कोई जिए कोई मरे, बस मुनाफा मुनाफा मुनाफा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो बोलो भूमंडलीकरण याने वसुधैव कुटुंबकम। बोलो वसुधैव कुटुंबकम। बोलो वसुधैव कुटुंबकम।
व्यक्ति शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। एंड मिस वर्ल्ड इज मिस इंडिया। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। समता, समानता, न्याय और हक का संघर्ष। व्यापार, कारोबार, कारोबार, व्यापार। शरीर से परे एक व्यक्ति होने की पहचान। शरीर की पहचान बाजार का सामान। शरीर की पहचान बाजार का सामान। समानता, जेंडर समानता का संघर्ष। शरीर की पहचान व्यापार का सामान। शरीर की पहचान व्यापार का सामान। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।